तो दोस्तों आया तो मैं अकेला था, बट यहाँ मुझे मिल गए पूरी फौज। ए तो दोस्तों हॉस्टल से रोड तक आने में मेरी हालत खराब हो चुकी है। रास्ता भी मिल गया, अब असली चढ़ाई होगी यहाँ से स्टार्ट। देखो सुनिया पार करके पहुंचेंगे हम चाइना पीक। बने रहो। तो दोस्तों पीछे से व्यू आपने देख ही लिया होगा। अभी मैं बस थोड़ा सा ही आया हूँ और हालत खराब है भाई। अभी पहले आएगा सत्यनारायण मंदिर, देन आपका चाइना पीक। सत्यनारायण से 6 किलोमीटर चाइना पीक है, किसी ने बताया मुझे, आई डोंट नो कितना दूर है, बट चलते हैं अभी देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। चलो मिलते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी सत्यनारायण मंदिर पर पहुंच चुका हूं और यहां से नज़ारे आप जब तक एंजॉय करो, मैं भी व्यू को एंजॉय करता हूं। तो अब निकलते हैं हम चाइना पीक की ओर के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब देख सकते हो पूरे बादल ही बादल हो चुके हैं चारों तरफ। तो मौसम को देखते हुए अभी जल्दी मुझे चलना चाहिए चाइना पीक की ओर, और थोड़ा वहाँ से डर भी लग रहा है मुझे कि कहीं वहाँ बारिश ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे को। तो देखो नैनीताल बिल्कुल गायब हो चुका है दोस्तों, पीछे आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ देखो पीछे कैसा हॉल उड़ता हुआ आ रहा है। तो दोस्तों नैनीताल से ऐसे बादल उठते हैं और इस तरीके से देखो आप ऐसे जाते हुए आपका यहाँ जाके बरसते हैं। देख रहे हो यहाँ बन चुके हैं बादल, काले हो चुके हैं इधर, और यहाँ जाके बरसेंगे ये पूरे इलाके में, काला ढूंगी नैनीताल रामनगर, अब ये यहाँ जाके बरसेंगे भाई। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि पहाड़ हमें घुमा रहा है गोल गोल, देख रहे हो कहाँ से आ रहे हैं हम गोल 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 करते हुए पूरा अपने ये पहाड़ पूरा लग रहा है 7 फेरे करवाएगा अपने पूरे गोल, फिर पहुँचेंगे हम चाइना पीक पे। और यहाँ से भी कोई अच्छा, यहाँ से भी कोई इतना बुरा व्यू नहीं है यार, बढ़िया व्यू है भाई। चलो Oh, oh, oh.
बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है यार, बहुत ही ज्यादा चिड़ियों की साउंड मुझे मिल रही है सुनने को, एकदम शांत डीप मेडिटेशन कर सकते हो यहाँ। देखो और क्या चाहिए एक जंगल बॉय को यार। तो दोस्तों अभी दो रास्ते मुझे मिले हैं, एक ये देखो पीछे जा रहा है और एक ये रास्ता जा रहा है ये। तो समझ गए होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ को जाऊं। और दो चार सारे लड़के वड़के एक उनका ग्रुप और आ रहा था नीचे से, आवाज़ तो आ रही है, शायद आ रहे हैं, या तो उनका वेट करता हूँ यहाँ पर, या मैं इस वाले रास्ते में निकलता हूँ जो ऊपर को जा रहा है। तो दोस्तों ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा। लगता गलत ही पंगा मोल ले लिया यार चाइना पीक का, फिर रास्ता ही खत्म नहीं हो रहा। देखो ऐसा लग रहा आवाज आएगा आवाज आएगा। चलो सही है, देखते हैं। गला सूख चुका है, चेहरा देख ही रहूंगा आप कैसा हो चुका है मेरा। और इधर ऊपर भी लोगों ने घर बनाए हैं यार, आई डोंट नो चाइना पीक अभी और कितनी दूर है, पूछता हूँ लोगों से चाइना पीक कहाँ है। शायद बंगला जंगलात वन विभाग का ऐसा एरिया। तरफ है 200 मीटर दूर और मौसम देखो यार, 200 मीटर रह चुका है भाई, 6 किलोमीटर से अब 200 मीटर फाइनली रह चुका है। बट एक प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि मौसम बिल्कुल धुंध वाला हो चुका है और यहाँ आके बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे अब, क्योंकि ये जब क्लियर होगा जब ही तो हमें यहाँ से बर्ड आई व्यू दिखेगा। तो क्या करे जाए अब समझ नहीं आ रहा मुझे तो, लेट्स सी, देखते हैं, वेट करेंगे। और आप भी वेट करो यार, नज़ारे देखने के लिए वेट करो, हमें भी वेट करना पड़ेगा मौसम साफ होने का, बट आपको भी वेट करना पड़ेगा भाई।
तो दोस्तों आया तो मैं अकेला था, बट यहाँ मुझे मिल गए पूरी फौज। ए नाम नहीं लोगे? गुलशन, गुलशन भाई फ्रॉम बिहार, फ्रॉम बिहार हैं, बाकी बहुत सारे भाई लोग हरियाणा के, और यहाँ एंजॉय होगा। तो दोस्तों कॉपीराइट क्लेम की वजह से मुझे अभी ये सॉन्ग म्यूट करने पड़ रहे हैं, बट हमने यहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया। हमने क्या, मैं तो अकेला ही था, बट ये अपने भाई लोग, दोस्त लोग जो यहाँ पर मिले, उनसे थोड़ा बातचीत करके थोड़ा माहौल बनाया गया। सब लोगों ने काफ़ी सहयोग करा डांस में, बहुत मज़ा आया। देख सक रहे हो कैसे नाच रहे हैं सब, बट थोड़ा कमी ये रह गई कि जो गाने हैं उनको हम प्ले नहीं कर सकते, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। बट उस टाइम का सीन कुछ ऐसा था कि पीछे का जो नैनीताल का व्यू है हम देख नहीं सकते थे, तो क्योंकि बादल पूरे लग चुके थे, तो इसलिए लॉन्डो मोंडो ने अपने गाने वाने प्ले करके अपने एंजॉय करा। सब लॉन्डे खुश थे, बट थोड़ा सैड भी थे कि जो व्यू देखने के लिए 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जो व्यू देखने के लिए आए वो व्यू नहीं देख पाए। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब हम गर्मियों में आएँ या कभी गर्मियों में हमारा कभी प्रोग्राम हो तो हम देख पाएँ। तो ये वो गाना है कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। दोस्तों सैड पॉइंट तो ये था कि हम व्यू नहीं देख पाए इतने ऊपर आके, बट एक खुशी का पल ये था कि इतनी सारी यादें हैं हम लेके अपने साथ जा रहे हैं, जो कि एक अनजान ट्रिप पे अनजान लोगों से मिलके जो हमें महसूस हुआ। उसके पीछे है नैनीताल, बट पूरा हमारा जो प्लान था फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे पूरा हॉल लग चुका है, कुछ नहीं दिख रहा है। बेस्ट है कि आप गर्मियों में ही आओ, मई जून में, और मैं निकल रहा हूँ अभी वापस। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे जो रहेगा नैनीताल का ही, और तब तक के लिए आप बने रहो वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं कराए तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे भूख भी लग रही है, मुझे जाना है नीचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।